नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और स्वराज सेहत के साथ मैं हूं रश्मि गौरी। हर छोटा बच्चा अपने आप में बेहद ही अलग होता है, इसलिए ये कह पाना मुश्किल होता है कि आपके बच्चे को खाने में क्या पसंद है। अक्सर माता पिता की चिंता भी यही रहती है कि 6 महीने तक के बच्चे को आखिर क्या खिलाया जाए या क्या खिलाएं। शुरुआती 6 महीने में बच्चों की पाचन और रोग प्रतिरोधक प्रणाली धीरे धीरे मजबूत हो रही होती है। इसके बाद ठोस आहार को बच्चा कुशलता से पचाने में सक्षम हो जाता है और 6 महीने तक के बच्चे को ऐसा आहार देना चाहिए जिससे उसके शरीर को सभी प्रकार के पोषक तत्व मिल सके। अगर शरीर की जरूरत के मुताबिक पोषक तत्व नहीं मिल पाते तो बच्चा कुपोषण का शिकार तक हो सकता है। बच्चे को अगर 6 महीने से पहले ठोस आहार देना चाहते हैं तो इस बारे में डॉक्टर से बात जरूर कर लेनी चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि ऐसी कौन कौन सी और ऐसे कितने भोजन हैं जो बच्चे को 6 महीने से पहले नहीं खिलाने चाहिए। बच्चे को पहले से ही कोई एलर्जी, अस्थमा, एक्जिमा है या नहीं, अगर है तो माता पिता को ज्यादा सावधानी बरतने की यहाँ पर जरूरत होती है। इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे अपने खास कार्यक्रम स्वराज सेहत में। बेहद ही खास विषय पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं आर्किटेक्चर कॉलेज भोपाल में डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक के प्रोफेसर डॉक्टर उमेश पटेल जी। डॉक्टर उमेश पटेल जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम स्वराज सेहत में। और इसी बीच हम अपने दर्शकों को ये जानकारी भी दे दें कि इस वक्त आप अपने टेलीविजन सेट पर जो टेलीफोन नंबर इस वक्त फ्लैश हो रहे हैं आप उन पर हमें कॉल कर सकते हैं और आपके बच्चों से संबंधित, उनके खान पान से संबंधित जो भी आपके सवाल हैं उनको लेके आप सवाल कर सकते हैं। डॉक्टर उमेश पटेल जी हमारे साथ मौजूद हैं, सवाल कीजिए। डॉक्टर पटेल आपको उन तमाम सवालों के जवाब देंगे जो आपके बच्चों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। डॉक्टर पटेल, बच्चों को ऊपर का जो खाना 6 महीने की उम्र से शुरू किया जाता है, आखिर क्यों, मतलब कहा जाता है कि 6 महीने तक उनको कुछ नहीं देना चाहिए। कई बार तो हमने ये भी सुना है जो दाई होती हैं, जो दादी लोग होती हैं, वो कहती हैं कि पानी भी नहीं पिलाना चाहिए, तो क्या ये सही है? और अगर दिया जाता है जो क्या कुछ दिया जाता है, क्या कुछ नहीं देना चाहिए और ये इतना जो बाउंडेशन है वो किस लिए? देखिए, पहले 6 महीने में जो माँ का दूध होता है ये बच्चे की जो उसकी पौष्टिकता की जरूरत होती है इसको पूरा करता है। तो पहले 6 महीने में हमें माँ के दूध के अलावा और किसी भी पौष्टिक आहार या खाने की जरूरत नहीं होती है। ऐसा भी कहा जाता है, ऐसा भी होता है कि अगर बहुत ज्यादा गर्मी है, जिस समय हमें बहुत ज्यादा प्यास लगती है, उस गर्मी के मौसम में भी अब पानी की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि माँ के दूध में इतना सफिशिएंट पानी होता है कि वो बच्चे की प्यास को पूरा कर देता है। अब रहे खाने की बात कि बच्चे का हम यूजली जो खाना होता है 6 महीने की उम्र के बाद ही चालू करते हैं, इसके 2 बहुत बेसिक कारण है। पहला कारण तो ये है कि 6 महीने तक जो माँ का दूध होता है इससे बच्चे की जरूरत पूरी हो जाती है, परंतु 6 महीने से 12 महीने के बीच में डाइट का मेन सोर्स तो माँ का दूध ही होता है, परंतु बच्चे की जरूरत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी होती है कि हम उसको केवल माँ के दूध से पूरा नहीं कर सकते। तो उस बढ़ी हुई जरूरत को पूरा करने के लिए हमें 6 महीने के बाद घर का बना हुआ खाना खास तौर से ठोस रूप में हमें चालू करना पड़ता है। बिल्कुल, मैं सवाल भी आपसे डॉक्टर उमेश यही करना चाह रही हूँ कि क्योंकि जो न्यू बोर्न बेबी है, जो अब 6 महीने के हो चुके हैं और जिनकी माताएं हैं उनको ठोस पदार्थ, जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं कि उनको ठोस पदार्थ देना आप शुरू करेंगी, तो उन बच्चों का खान पान अब किस तरह का होना चाहिए, किस तरह का डाइट उनको देना चाहिए? देखिए, इस चीज को समझने के लिए हमें उसके बच्चे की डेवलपमेंट को समझना जरूरी होता है। होता यह है कि पहले साल में बच्चे का जो मानसिक विकास होता है ये बहुत तेजी से होता है। अगर हम इस मानसिक विकास में हम खाने की बात करें तो बच्चों में जो खाने के स्वाद का डेवलपमेंट होता है इस बहुत तेजी से होता है। तो पहली चीज तो ये हो गई कि 6 महीने के बाद माँ का दूध बच्चे के लिए पर्याप्त नहीं है। दूसरा, 6 महीने से 12 महीने के बीच जब बच्चों का जो मेंटल डेवलपमेंट होता है इसमें स्वाद का विकास बहुत तेजी से होता है। अगर हम इन दोनों चीजों को लेकर देखें और अगर हम ये चाहते हैं कि बच्चे का शारीरिक विकास बहुत अच्छे से हो
और उसका खान पान बिल्कुल नॉर्मल रहे, किसी भी तरीके से उसमें दिक्कत ना आए, तो हमें 6 महीने से घर का बना हुआ खाना, ऐसा खाना जो हम अपने लिए घर में बनाते हैं जिसमें विविधता होती है, चाहे वो अनाज की विविधता की बात करें, चाहे हम सब्जियों की विविधता की बात करें, चाहे हम फलों की व्यवस्था की बात करें, इन सभी खाद्य पदार्थों का प्रॉपर मिश्रण होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि 6 महीने के बाद आप घर में, जो अपने घर में अपने लिए खाना पकाते हैं, अपने लिए बनाते हैं, और जिस मौसम में जिस जगह में रहते हैं आप, जो आपके लिए वो वहाँ पे जो खाद्य पदार्थ अवेलेबल होता है, आप उन्हीं को आप चालू करिए, बहुत ज्यादा मार्केट की चीजें देने की जरूरत नहीं होती है। जिस तरह से आपने बताया कि 6 से 12 महीने के बीच में जो ब्रेन का भी डेवलपमेंट होता है, तो किस तरह का आहार उन बच्चों को देना चाहिए जिससे जो ब्रेन डेवलप हो रहा है वो मतलब सही फॉर्म में उसका डेवलपमेंट हो। ठीक है, प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए हमें पूरी तरीके से न्यूट्रिशियस फूड की जरूरत होती है, और जैसा हम जानते हैं कि केवल एक सिंगल फूड में हर तरीके के न्यूट्रिशन का मिलना संभव नहीं है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि खाद्य पदार्थ में आपकी विविधता का होना जरूरी होता है, वैरायटी का होना बहुत जरूरी होता है। अब इसमें आपका दूसरा प्रश्न होता है कि पहला प्रश्न ये होगा कि हमें क्या देना चाहिए, तो आज के समय में साइंस ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि किसी भी तरीके की खाद्य पदार्थ की वर्जिश अब 6 महीने से 12 महीने के बीच के बच्चों में नहीं होनी चाहिए, हमें सारे तरीके की खाद्य पदार्थ देना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन आता है कि हम इन खाद्य पदार्थों को किस तरीके से दें, तो इसको आपको समझना, 3-4 पॉइंट्स हम समझ सकते हैं। पहली चीज ये होती है कि जो भी हम खाद्य पदार्थ देते हैं वो उसका जो स्वरूप होना चाहिए वो ठोस आहार के रूप में होना चाहिए। मतलब ये है कि चाहे हम दाल दें, चावल दें, सब्जियां दें, फल दें, इनको हम अच्छी तरह से मैश करके या तो हम पेस्ट फॉर्म में बना लें, जैसे आप बोल सकते हैं कि सत्तू घोलते हैं या भरता बनाते हैं, और पेस्ट फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में ही हमें इसको देना चाहिए। आप हमारे घर में जैसा चलता है कि हमने जैसे 6 महीने के बाद खाना खाने के लिए बोलते हैं तो लोग बाग दाल का पानी देना चालू कर देते हैं, चावल का पानी देना चालू कर दिए, क्योंकि ये पानी है इसमें बहुत अच्छा न्यूट्रिशन नहीं होता है। तो इस तरीके के खाना आगे खाद्य आप दाल का पानी या चावल का पानी या दूसरा कोई भी खाद्य पदार्थ जो लिक्विड फॉर्म में देंगे उसमें न्यूट्रिशन की बेहद कमी होती है और आपके बच्चे का प्रॉपर फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। ये जो बच्चों को सेरेलेक भी दिया जाता है, मतलब जिस तरह से जो सेरेलेक का घोल बनाया जाता है, मतलब आप ये कह रहे हैं जो भी खाद्य पदार्थ दे रहे हैं उसको भी उसी पैटर्न में बना के उनको दे देना चाहिए। और सेरेलेक कितना बेनिफिशियल है, इस सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगी। इस वक्त हमारे साथ महाराष्ट्र के अहमदनगर से एक कॉलर हैं, दादो उबाले जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दादो उबाले जी बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए अपना। नमस्ते सर। नमस्कार। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले से मैं दादो उबाले बात कर रहा हूँ जी। मेरा सवाल ऐसा है कि बच्चों की अच्छी सेहत के लिए हमें उनके खाने में कौन कौन से खाद्य पदार्थ उन्हें देने चाहिए, इसके बारे में बताइए सर। देखिए, ऐसा है कि अगर बच्चों का हम सही तरह से डेवलपमेंट चाहते हैं, चाहे वो फिजिकल डेवलपमेंट हो या मेंटल डेवलपमेंट हो, तो जैसा मैंने बोला कि आपके खाद्य पदार्थ में सारी तरीके की वैरायटी होने चाहिए। जैसे आप सब्जियों की बात करते हैं, चाहे वो आलू हो, चाहे टमाटर हो, चाहे बैगन हो, चाहे लौकी हो, आप सभी तरीके की सब्जियां उस मौसम में जो आप जिस मौसम में हैं अगर उसमें हैं तो आप दे सकते हैं। फलों में हम बात करें तो सारे तरीके से फल, चाहे वो केला हो, अंगूर हो, मौसमी हो, संतरा हो, आम हो, सारी चीजें आप दे सकते हैं। केवल एक खाद्य पदार्थ देने की आपको जरूरत नहीं है, और ना ऐसा है कि केवल एक या दो खाद्य पदार्थ को हम दे के बच्चे का प्रॉपर डेवलपमेंट कर सकते हैं। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो 6 महीने से 12 महीने का जो टाइम है, इसमें जो मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है उसमें टेस्ट का डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है। अगर हम जिस तरीके की खाने की आदत हम डालते हैं, जिस तरीके के खाद्य पदार्थ हम उनको ऑफर करते हैं, बच्चे में उस तरीके का टेस्ट डेवलप हो जाता है और बच्चा उस हिसाब से खाना चालू कर देता है। जैसे अभी एक क्वेश्चन आया था कि ये सेरेलक अगर हम देते हैं तो कैसे देते हैं, अगर आप मेरी बात सुनते हैं तो सेरेलक अगर देने का तरीका है तो वो दिन में एक बार से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा, इसका अगर आप पक्ष देखें, अगर हम उसको सेरेलक खाने की आदत डालते हैं तो बच्चे की आदत सेरेलक, उसके अंदर जो डेवलपमेंट है वो सेरेलक का टेस्ट डेवलप हो जाएगा, फिर वो घर का खाना कैसे खाएगा।
अगर हम सेरेलक ना दे के सेम चीज, चाहे वो गेहूं से बनी हुई चीज हो, चावल से बनी हुई चीज हो, दालों से बने हुए, इनका सब मल्टीग्रेन मिश्रण बना के पेस्ट ना के अगर हम देते हैं तो बच्चे उस तरीके से खाना सीख जाते हैं। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम बच्चों में खाने की आदत किस तरीके से डालना चाहते हैं। दुनिया में जितने भी खाद्य पदार्थ हैं सारे पौष्टिक हैं, सबकी आपके शरीर के लिए जरूरत है। तो इसलिए मेरी सलाह यही है कि आप केवल घर का खाना दीजिए, घर का अच्छे से पकाया हुआ खाना होना चाहिए, और उनके सही मेंटल डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर वैरायटी ऑफ दी फूड होना बहुत जरूरी है। जितने तरीके के फूड आपके पास में, चाहे वो सब्जियों के फॉर्म में हो, चाहे फलों के फॉर्म में हो, उन सभी चीजों को आप सही मात्रा में दीजिए। जी, एक और कॉलर है, सचिन है, सीहोर से इस वक्त फोनलाइन पर जुड़े हैं। सचिन जी, बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए अपना। नमस्कार, मेरा ये सवाल था कि मेरी छोटी बहन है, ज्यादा उम्र नहीं होगी अभी, करीब याद नहीं मुझे, 1-1.5 साल हुई। सर मिट्टी बहुत खाती है जी। और एक बार डॉक्टर को बताया भी था तो डॉक्टर कहते हैं ठीक है मिट्टी खा रही तो उसे खाने दीजिए। जी देखिए, मिट्टी खाने का जो मेन कारण होता है ये आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होता है। होता ये है कि हम जब देखते हैं कि बच्चों में अगर प्रॉपर डाइट नहीं होती है या उनका मुख्य आहार दूध होता है 6 महीने के बाद भी, और जैसा हमें पता है कि दूध में आयरन की कमी होती है, अगर 6 महीने के बाद मुख्य आहार आपका दूध है तो आपके बच्चे में खून की कमी बहुत तेजी से होती है। और खून की कमी, इवन कि चाहे बड़े आदमी में भी अगर खून की कमी होती है तो उनको भी कुछ ऐसी चीजें खाने की मन इच्छा करती है जो नहीं खानी चाहिए। तो इसको आपको जो करना है, इसमें नंबर वन, एक आप इसमें एक डिवॉर्मिंग करिए, एक कीड़े मारने की दवाई दीजिए, और दूसरा एक आयरन सप्लीमेंटेशन चालू करिए। आप देखेंगे कि अगले 3 से 4 हफ्ते में बच्चे ने मिट्टी खाना बंद कर दिया है। क्योंकि अब आयरन की अगर बात हो रही है तो खाने में वो कौन सा ऐसा फूड है, कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसमें आयरन सबसे ज्यादा पाया जाता है? देखिए, अगर आयरन की हम बात करते हैं तो जो ग्रीन और डार्क कलर की वेजिटेबल्स होती हैं ये आयरन का बहुत अच्छा सोर्स होता है। दूसरा सोर्स आपका गुड़ हो सकता है, ठीक है, और थोड़ा थोड़ा आयरन तो हर चीज में मिलता है। केवल मिल्क एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें आयरन की मात्रा ऑलमोस्ट ना के बराबर होती है, इसलिए भी हम लोग डाइट में मिल्क को बहुत रिस्ट्रिक्टेड रखते हैं। अगर आप मिल्क की बात करते हैं तो 1 साल के बाद जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि 1 गिलास से ज़्यादा दूध 24 घंटे में नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि पहले 2 साल में हम कितनी भी अच्छी डाइट दे दें, क्योंकि बच्चों का शारीरिक विकास इतनी तेजी से होता है कि उनकी जो आयरन की जरूरत होती है इसको हम पूरा नहीं कर सकते, इसलिए हम 2 महीने के बाद हर बच्चे में आयरन सप्लीमेंटेशन रूटीनली चालू कर देते हैं जिससे उनमें आयरन की कमी ना हो। और आजकल ये देखा गया है कि अगर किसी बच्चे में आयरन की कमी हो जाती है तो उसका सीधा सीधा संबंध उसके IQ से होता है, और आयरन की कमी अगर पहले 2 साल में होती है तो उसका एडल्ट IQ 2 पॉइंट से 8 पॉइंट कम हो सकता कम हो जाता है। तो आयरन डेफिशिएंसी होना बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कई बार होता है कि जब पेरेंट्स को बता दिया जाता है, अभिभावकों को, कि बच्चे में डॉक्टर भी बताते हैं कि आयरन की कमी है, तो उसको वो बहुत कैजुअली ले लेते हैं, ये होता है डॉक्टर जी। तो जैसे भी आपने जिक्र किया कि मतलब 1 गिलास दूध सफिशियंट है, कई बार ऐसा देखने में मिला है कि अगर बच्चा रो रहा है, वो 6-7-8 महीने का है या साल भर का भी है, तो उसके मुंह में दूध की बोतल लगा दी जाती है। मतलब अगर रो रहा है तो भूख लग रही होगी, उसको दूध का बोतल दे दो, तो ये जो बार बार जो दूध पिलाया जाता है, इट्स हार्मफुल? नहीं, इसको हम हार्मफुल नहीं बोल सकते, पर ये बोल सकते हैं कि आपको जो वैरायटी ऑफ न्यूट्रिशन है जो मिलना चाहिए वो आपको प्रॉपर मात्रा में नहीं मिलेगा। दूसरा, जो 6 महीने से 12 महीने जिसमें खाने की आदत डलती है ये प्रॉपर आदत नहीं डलेगी। तो ऐसे अगर आप एक्सेस मात्रा में दूध देते रहेंगे, मेन डाइट दूध ही रखेंगे, तो आयरन की कमी हो जाएगी, उसकी आदत नहीं पड़ेगी, धीरे धीरे उसका वेट नहीं बढ़ेगा, बच्चा चिड़चिड़ा होता जाएगा, और सबसे बड़ी बात, वो घर का बना हुआ प्रॉपर तरीके से कुछ भी नहीं खाएगा, तो उसका फिजिकल डेवलपमेंट भी कम होता जाएगा, और जब फिजिकली या शारीरिक तौर पर कोई बच्चा कमजोर होता है तो उसका असर उसके मानसिक विकास पे भी पड़ता है, चाहे वो इंटेलेक्चुअलिटी की बात करें, चाहे IQ की बात करें, चाहे लर्निंग की बात करें, चाहे मेमोरी की बात करें, कहीं ना कहीं इन सब चीजों का उनके बच्चों में इफेक्ट पड़ता है। और बच्चों को खाने का क्या तरीका होना चाहिए, उनको किस तरीके से खिलाना चाहिए, क्योंकि बहुत आनाकानी करते हैं बच्चे खाना खाने में?
देखिए ये बच्चे, ये बच्चों को इसलिए हम बोलते हैं कि ये फजी ईटर्स होते हैं, ठीक है, इनको खिलाने के लिए हमें तीन चार चीजों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो हम शायद बच्चों को बहुत अच्छे से सिखा सकते हैं। पहली चीज ये है कि कोई भी बच्चा एक बार खाना खिलाने पे या एक बार ऑफर करने पे नहीं सीखेगा। आपको ये मान के चलना है कि किसी भी तरीके के खाद्य पदार्थ हमें कम से कम 10 से 15 बार ऑफर करना है, तो धीरे धीरे जब हम उनको सेम चीज बराबर हम रिपीटेडली उनको ऑफर करते हैं, देते हैं, तो उनमें नहीं खाने का रेजिस्टेंस कम होता जाता है और धीरे धीरे उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। एक चीज हो गया। दूसरी चीज जो आज के समय में मुझे लगता है कि फैमिलीज और बच्चों के बीच में, कॉलर को ले लेते हैं, समीर हैं हमारे साथ विदिशा से, इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। समीर जी बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए अपना। सर बच्चों का कोरोना लक्षण कैसे पहचान सकते हैं सर? किस चीज के? कोरोना के जैसे अगर आप देखिए हमारा टॉपिक थोड़ा सा अलग है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि ये जो कोरोना के जो लक्षण होते हैं ये सिंपल वायरल की तरफ होते हैं, जैसे फीवर हो गया, गले में दर्द हो गया, सर्दी खांसी हो गई, दो बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण होते हैं, सांस लेने में दिक्कत, और आज के समय में WHO ने एक दो सिम्टम्स और जोड़े हैं जिसमें है कि अगर आपका स्वाद आपको नहीं आ रहा और स्मेल सेंसेशन आपके लॉस्ट हो गए हैं, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कोरोना के सिम्टम्स में आता है। बहुत शुक्रिया समीर जी हमें कॉल करने के लिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए डॉक्टर साहब। हाँ, दूसरी चीज ये है कि जो आज के समय में जो न्यूक्लियर फैमिलीज है, ठीक है, हमने ये देखा है कि बच्चे हमेशा जब तक हम उनको एग्जाम्पल सेट नहीं करते, दूसरे लोगों को वो करते हुए देखते नहीं है तो बच्चे सीखते नहीं। आज क्या होता है, आजकल क्या होता है कि सिंगल न्यूक्लियर फैमिलीज है, ठीक है, माँ अकेली है जिसको घर का भी काम देखना है और बच्चे को भी संभालना है। होता ये है कि बच्चे सीखते तभी जब वो देखेंगे। पहले क्या होता है कि हम सब लोग एक साथ में बैठ के खाना खाते थे तो बच्चा उस चीज को देखता था और वैसे ही हरकतें करने की कोशिश करता था, मतलब खाने की कोशिश करता था। आज ये होता है कि पहले हम बच्चे को खिला देते हैं, उसके बाद हम खुद बाद में खाना खाते हैं। तो अगर हम बच्चे को सही तरीके से खिलाना चाहते हैं तो एक ये कि हम लोग सभी साथ में बैठ के खाना खाएं। दूसरी चीज ये है कि हमने ये देखा है कि कभी भी बच्चा अपने घर में खाना नहीं खाता, परंतु वही चीज अगर आपके पड़ोसी के घर में मिल जाएगी तो खा लेगा। तो हमारे आपके अगर बच्चों को आप चाहते हैं कि वो बहुत अच्छे तरीके से खाना खाएं, उनकी आदत पड़े, तो हमें आपको आपके पड़ोसी के बच्चे को खिलाना पड़ेगा और आपके पड़ोसी को आपके बच्चे को सिखाना पड़ेगा। मतलब जो आप ये मान के चले कि जैसे कृष्ण होते थे, कृष्ण ने कभी अपने घर में माखन नहीं खाया, उन्होंने हमें दूसरों के ही घर में खाया और बहुत सारे बच्चों के साथ में खाया। इसलिए अगर हमें उनको खाना सिखाना है तो एक चीज के कम से कम 2-3-4 बच्चे हों, जो पड़ोसियों के बच्चे हों, सबको साथ में खिलाइए, बच्चे अपने आप सीख जाएंगे। शायद इसलिए कहा जाता है कंपनी डज इट फैक्टर। एक कॉलर है जबलपुर से, राम कुमार जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। राम कुमार जी बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए अपना। सर मुझे पूछना था, मेरी बच्ची 6 साल की है और जब वो स्कूल जाती थी तो पूरा टिफिन बचा के ले आती थी, स्कूल में टिफिन नहीं खाती थी, घर पे रहती है तो घर पे भी खाना नहीं खाती, इधर कभी बर्गर कभी पिज्जा ये चीजें खाती है, वो नहीं भी खाती तो भूखे ही रहना है उसको। लेकिन वही मेरी बच्ची जब जबलपुर में उसके नाना नानी के यहाँ जाती है तो वो दूध भी पीती है, फ्रूट्स भी खाती है, हेल्दी फ्रूट्स भी खाती है, जो खाना होता है सब खाती है वहाँ नाना नानी के यहाँ। दादा दादी के यहाँ जाती है बासुदा में तो वहाँ पूरा खाती है, लेकिन जब हमारे पास आ जाती है भोपाल में तो खाना बंद हो जाता है, तो समझ में नहीं आता क्या वहीं उनको छोड़ दें हम नाना नानी या दादा दादी के पास। नहीं, इसका जवाब तो मैंने आपको इसके पहले क्वेश्चन में दे दिया है कि बच्चे वही करते हैं जो देखते हैं। मतलब ये कि देखिए आपका बच्चा नाना के यहाँ खा रहा है, दादा के यहाँ खा रहा है, मतलब ये है कि वो सभी नाना नानी दादा दादी खुद भी खाते हैं और साथ में बच्चे को बच्चे भी खाते हैं। आपको जो करना है वो ये करना है, पहला ये कि आपको पॉजिटिव अप्रोच रखना है, आपको सही तरीके से खाना खाना सिखाना है, मतलब जो सही खाद्य पदार्थ है उसी को ऑफर करना है। जो मार्केट की चीजें जो आपने पिज्जा बर्गर जिसको हम जंक फूड बोलते हैं, इनके भी रिकमेंडेशन है हफ्ते में एक बार से ज्यादा सिंगल आइटम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसको आप रिस्ट्रिक्ट करिए। तीसरी चीज ये है कि सभी लोग फैमिली के लोग बैठ के खाइए, अगर आपका कोई आस पड़ोस में उसी हम उम्र का कोई बच्चा है तो साथ में उसको भी बुला लीजिए, दोनों बच्चे लड़ेंगे झगड़ेंगे और साथ में खाना सीख जाएंगे। तो राम कुमार जी जाहिर सी बात है अमल कीजिए सलाह पे, जो समस्या है उसका निराकरण जरूर होगा। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। डॉक्टर पटेल, क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो 1 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं देना चाहिए? अगर हम वैसे देखें तो 1 साल के नीचे के बच्चों को ऐसे कोई भी खाद्य पदार्थ नहीं है जिसका कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, पर हाँ कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिसमें एलर्जी की संभावना, जिसको हम फूड एलर्जी बोलते हैं, उसकी संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो कोशिश हम ये कर सकते हैं कि अगर पॉसिबल हो तो उन खाद्य पदार्थों को ना दें।
तो ऐसे कुछ तीन चार ही खाद्य पदार्थ हैं, जैसे शहद हो गया, हम लोग एनिमल मिल्क गाय भैंस बकरी का दूध होता है जिसको एक साल के नीचे हम लोग मना करते हैं कि ना दें, उसके पीछे दो तीन कारण होते हैं। तीसरा आपका अंडा, एग प्रोटीन बहुत एलर्जिक होता है, अगर पॉसिबल हो तो उसको एक साल के बाद ही दें। और एनिमल कोई भी जो नॉन वेज होता है, ये चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके प्रोटीन साइज बहुत ज़्यादा होते हैं और जिनमें फूड एलर्जी की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं दे सकते हैं, पर अगर पॉसिबल हो तो हम इन सब चीज़ों को एक साल के बाद ही दें तो ज़्यादा बेहतर है। एक और कॉलर जुड़ी हैं, ऊषा जायसवाल जी हैं, दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। ऊषा जी बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए अपना। हेलो जी ऊषा जी, स्वागत है, सवाल कीजिए। हाँ मैम, मेरा पोता अभी 3.5 महीने का है, तो उसे दस्त लग रहे हैं बहुत ज्यादा, फटे फटे ग्रीन कलर के दस्त हो रहे हैं मैम उसे, दिन में 5-6 बार करे हूँ जी। कब से लग रहे हैं? देखिए, जो दस्त लगना इस उम्र में है, हमारा एक बहुत बड़ा मिस बिलीफ है कि ये दांत निकलने के कारण से ऐसा होता है। होता ये है कि इस उम्र में बच्चों का जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, इसमें एक ओरल फेज होता है वो डेवलप होता है, तो बच्चा कुछ भी उठा के मुंह में डालता, अंगूठा चूसता है, खिलौने मुंह में डालता है, कई बार जो कपड़े हाथ में आ जाते हैं उसको मुंह में डाल लेता है, तो इससे गंदगी जाती है और गंदगी जाने के कारण से ही पेट खराब होता है। तो जो हमारा मिस बिलीफ है कि जो चाहे इस उम्र में 3-4 महीने से लेकर 1 साल तक दांत निकलने के दौरान कहीं लूज मोशन लग रहा है, वोमिटिंग हो रहा है, फीवर आ रहा है, तो ये दांत निकलने से, तो पहली चीज ये दांत निकलने से नहीं है। दूसरी चीज ये है कि बच्चों में जो मोशन की फ्रिक्वेंसी होती है बहुत वेरिएबल होती है, कई बार बच्चे कुछ दिनों में एक बार जाते हैं और कई बार एक दिन में 4-5-6 बार भी जाते हैं। अगर बच्चे को फीवर नहीं है, एक्टिविटी नॉर्मल है और उसका फीड अच्छे से इंटेक कर रहा है, मतलब दूध वगैरह अच्छे से पी रहा है, एक्टिविटी नॉर्मल है, यूरिन अच्छे से कर रहा है, तो आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया उषा जी कॉल करने के लिए। डॉक्टर साहब, किन परिस्थितियों में ऊपर का खाना 6 महीने की उम्र के पहले देना शुरू कर सकते हैं? देखिए, इसकी बहुत लिमिटेड कंडीशंस हैं जिसमें हम ये एडवाइस करते हैं कि आप 6 महीने से कम, मतलब 4 महीने के बाद हम खाना चालू कर सकते हैं। होता यह है कि अगर हम डेवलपमेंटली बात करें तो 17 हफ्ते, मतलब करीब करीब 4.25 महीने के बाद डेवलपमेंटली खाना खाने के लिए, निगलने के लिए और पचाने के लिए तैयार हो चुके होते हैं। परंतु हम ये देखते हैं कि माँ का दूध 6 महीने तक बच्चे की जरूरत को पूरा करता रहता है, इसलिए हम लोग 6 महीने के नीचे अवॉइड करते हैं। पर कुछ कंडीशंस हैं, जैसे ऐसी कंडीशन जिसमें बच्चा ऑलरेडी ऊपर का दूध पी रहा है, मींस चाहे वो डिब्बे वाला दूध पाउडर वाला पी रहा हो या गाय या भैंस या बकरी का दूध पी रहा हो, क्योंकि वो ऊपर का दूध पी ही रहा है और उसको एक्सक्लूसिव मदर्स मिल्क मिल नहीं रहा है, तो ऐसे बच्चों को हम चाहें तो 4.25 महीने के बाद खाना चालू कर सकते हैं। उससे दो फायदे होंगे कि जो ऊपर की दूध की जरूरत है वो कम होती जाएगी, दूसरा बच्चे को न्यूट्रिशन अच्छा मिलेगा, तीसरा बच्चा खाना सीख जाएगा। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर बच्चा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे है और उसका वजन उम्र के अनुसार जैसा बढ़ना चाहिए वैसा नहीं बढ़ रहा है या कम बढ़ रहा, तो हम ये मान के चलते हैं कि माँ का दूध बच्चे की जरूरत को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में 4.25 महीने के बाद हम थोड़ा थोड़ा घर का बना हुआ खाना, घर का पका हुआ खाना हम चालू कर सकते हैं। तो ऐसा बच्चा जो ऊपर के माँ के दूध पे है परंतु वजन नहीं बढ़ रहा है, और ऐसे बच्चे जो ऑलरेडी ऊपर का दूध पी रहे हैं, ऐसे बच्चों को हम 4.25 या 4.5 महीने के बाद में हम खाना चालू कर सकते हैं। डॉक्टर पटेल, क्योंकि हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर हैं, क्या सलाह आप हमारे तमाम दर्शकों को इस वक्त देना चाहेंगे जो आपको इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं? मेरी केवल एक ही सलाह है, हमारे समाज में, हमारे परिवार में खाने को लेके जो भ्रम फैला हुआ है कि इस तरीके के खाना देने से ये हो गया, इसको देने से ये प्रॉब्लम हो जाती है, ये सब भ्रम है, ये हकीकत नहीं है। आप वो सारी चीजें जो घर में बनती हैं, जिस मौसम में जो फल अवेलेबल हैं, जो सब्जियां अवेलेबल हैं, उन सारी चीज़ों को मैश करके पेस्ट बना के, मीन्स कि ठोस आहार के रूप में देना चालू करिए, जो आपके बच्चे के लिए फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास और मानसिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। जितने भी चीज़ें खाने को लेके मिथ्स बने हुए हैं, इन सबको त्यागिए और संपूर्ण आहार बच्चे को ऑफर करिए, यही आपके बच्चे के डेवलपमेंट के लिए सबसे जरूरी चीज़ है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ स्वास्थ्य सेहत में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।